हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे विकेट गुड की सेजवान फ्लेवर में नूडल्स। ये ओट्स और दाल और ब्राउन राइस से मिलकर बना हुआ, तो ये हेल्दी नूडल्स है। तो फ्रेंड देख लेते हैं टेस्ट में कैसी है। तो इसे हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 60 ग्राम का पैकेट है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें। पैकेट को कट कर लेंगे। इसके अंदर ये देखिए नूडल्स है और इसके अंदर से जो टेस्ट मेकर का पैकेट इसे हम निकाल लेंगे, इसे हम बाद में ऐड करेंगे। इसे बनाने के लिए मैं 300 ml पानी का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी। अगर आपको ग्रेवी वाली पसंद नहीं तो आप 250 ml पानी ले लें। इसमें थोड़े से फ्रोजन मटर ऐड कर देंगे और पानी में अच्छा सा उबाल आने तक इसे पकाएंगे। जब पानी में उबाल आने लगेगा तब इसमें हम ये नूडल्स ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें टेस्ट मेकर का पूरा मसाला ऐड कर देंगे। आपको इसमें कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं, मसालों में सब कुछ ऐड होकर आया है। इसमें मैंने थोड़े से मटर ऐड किया। अगर आपको मटर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद पैन को कवर कर देंगे, धीमी आंच पर इसे 3 मिनट पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके, ये देखिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। फ्रेंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। नूडल्स के जो लच्छे थे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके, तो इसे हम दोबारा कवर करके 1 मिनट और पका लेंगे। नूडल्स को पकते हुए 1 मिनट हो चुका, ये देखिए काफी अच्छे से ये गाढ़ी ग्रेवी वाले बनकर तैयार है और सारी ये नूडल्स अच्छे से पक चुकी है। तो इससे ज्यादा हम इसे यहाँ नहीं पकाएंगे। तो चलिए फिर इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही कम टाइम पर हेल्दी और टेस्टी नूडल्स बनकर तैयार है, वो भी सेजवान फ्लेवर में। तो फ्रेंड आप भी टेस्टी और हेल्दी नूडल्स को बनाएं, छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।